हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम। फ्रेंड्स, जो कि फिटर ट्रेड थ्योरी की जो हमारी क्लास चल रही है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत ही हेल्पफुल जो हमारी क्लास चल रही थी उसकी मैंने तीन वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसमें कि मैंने मेटल प्रॉपर्टीज तक जो चैप्टर है हमने वहाँ तक क्लियर किया है। ये हमारी चौथी वीडियो है, इसमें हम पावर हेक्सा जो चार प्रकार के होते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं और जिससे कि क्वेश्चन आते हैं हमारे टेक्निकल एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके इस वीडियो को देखें, जो कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा वो आप नोट करते चलें तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि गाइज आप वीडियो देखने के बाद सब भूल जाओगे, पता है, ठीक है। 2-5 मिनट याद रहेगा और आप भूल जाओगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप याद रख यानी कि नोट कर लोगे तो आपके लिए याद रहेंगे और आप रिविज़न कर सकते हो। सो गाइज चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वायुचलित हेक्सा यानी कि पावर हेक्सा। पावर हेक्सा क्यों यूज किया जाता है, किस धातु को बना होता है, क्या है, कैसे काम करता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो आप वहां पर उसे नोट करते रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें, ठीक है। यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं पावर हेक्सा के बारे में। तो पावर हेक्सा, ठीक है, कट ऑफ सा का प्रयोग आवश्यक लंबाई में रफ तरीके से, देखिए जनरली मैं आपके लिए बेसिक बता देता हूँ, जैसे कि कोई रॉड है, ठीक है, कोई चादर है, कोई रॉड है, जो कि मोटी रॉड होती है उसको हम काटने के लिए पावर हेक्सा का यूज करते हैं, जो कि एक हाइड्रोलिक पावर हेक्सा होता है। उसमें एक क्रैंक शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, जो मशीन से चलाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट यहाँ पर लगी होती है जिससे कि ब्लेड आगे पीछे चलती है। पावर हेक्सा जो होता है पूरा कास्ट आयरन का बना होता है, उसकी ब्लेड जो होती है वो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। अभी कैसे काम करता है, क्या है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे तो इसका एक फिगर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपने अगर प्राइवेट आईटी वाले हो तो शायद आपने पावर हेक्सा ना देखा हो, जो भी सरकारी आईटी वाले हैं उन सभी ने पावर हेक्सा को देखा होगा और यूज भी किया होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं दिखा देता हूँ इस फिगर के माध्यम से, आपको सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए मोटर लगी होती है, यहाँ पर ये फ्रेम है, इस प्रकार एक फ्रेम रहता है, ये फ्रेम जिसे बोलते हैं, ये इसकी ब्लेड लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ पर वर्कपीस लगा हुआ, एक बेंच वाइस होती है, यहाँ पर एक वाइस होती है जिसमें कि जॉब को होल्ड किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ से वर्कपीस को हम लगाते हैं जिसे कि होल्ड किया जाता है। अब ये ब्लेड आगे पीछे चलती है, जब ये पीछे आती है तो ब्लेड कटिंग करती है और जब आगे जाती है तो ब्लेड कटिंग नहीं करती है, एक ही स्ट्रोक पावर हेक्सा कटिंग करता है। और कभी कभी अलग अलग पावर हेक्सा, मतलब जेई पावर हेक्सा होता है, अलग अलग कंपनी बनाने वाली होती हैं, वो लिख के देती हैं कि रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करेगा या फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा, तो उसके हिसाब से हमको ब्लेड को फिक्स करना पड़ता है। ज़्यादातर रिटर्न स्ट्रोक में पावर हेक्सा कटिंग करता है, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ आते वक्त कटिंग नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ से आपने देखा तो इसमें क्रैंक शाफ्ट जो लगी होती है वो इस प्रकार होती है, क्रैंक शाफ्ट की अंतर वाली एक गोल रहता है डिस्क, यहाँ पर एक उसमें एक इसेंट्रिक रॉड लगी होती है, जैसे ये घूमता है तो ये यानी कि घूर्णन गति को रेखिक गति में बदलने के लिए क्रैंक शाफ्ट होती है उसका यूज किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट तो जनरली ऐसी होती है, आपने देखा होगा ऐसी क्रैंक शाफ्ट होती है, ठीक है। तो घूर्णन गति को रेखीय गति में बदलता है पावर हेक्सा, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, इसके फीचर्स हैं यहाँ पर बता देता हूँ। पावर सा का हैंड हेक्सा की तरह प्रयोग करते हैं तथा यह स्ट्रोक में कटिंग करता है तथा दूसरे स्ट्रोक में प्रेशर को रिलीज करता है। मैंने बताया कि एक स्ट्रोक में कटिंग करता है। क्रैंक मैकेनिज्म रोटरी मोशन को लीनियर मोशन बदलती है, जो क्रैंक यंत्रावली है वो घूर्णन गति यानी कि रोटरी मोशन को लीनियर मोशन बदलती है, रेखीय गति बदलती है। इस प्रकार से देखिए, ये है क्रैंक, ये क्रैंक, इसमें एक डिस्क लगी है, ये है क्रैंक शाफ्ट जो कि पावर हेक्सा के से कनेक्ट है, जैसे ऐसे ऐसे घूमती है तो ये आगे आगे पीछे चलता है, मोटर से चलती है क्रैंक व्हील, ठीक है। यहाँ पर देखिए आवश्यक कटिंग दबाव हाइड्रोलिक से, या देखिए कटिंग दबाव जो यानी कि कटिंग प्रेशर जो डाला जाता है वो हाइड्रोलिक से या मैनुअली हम डाल सकते हैं, ठीक है। नॉन कटिंग मोशन के दौरान बेल्ट
ब्लेड के वर्क के ऊपर यानी उठा लेते हैं, जब कटिंग नहीं करता है तो प्रेशर को हटा लेते हैं। अब यहाँ से पावर हेक्सा जो पावर सा है ये सबसे अधिक यूज होता है या सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली धातु काटने की आरी है। पावर सा के ब्लेड का चुनाव मशीन तथा हैंड वर्क के प्रकार पर निर्भर करता है। ब्लेड लो कार्बन एलो स्टील या हाई स्पीड स्टील, ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील से ही बनाई जाती है और ऑल हार्ड होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मटेरियल के लिए विभिन्न पिच के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। इसकी जो ब्लेड की संख्या होती है वो 25 mm में ली जाती है, यानी कि आप 1 इंच कह सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर जो आमतौर पर ब्लेड यूज की जाती है वो की जाती है 14 TPI वाली, यानी 14 teeth per inch, ठीक है। तो जो 25 mm में दांतों की संख्या होना चाहिए वो 4 से लेकर 14 तक दांतों की संख्या इसमें होनी चाहिए, जो कि धातु की मोटाई के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यहाँ से देखिए लिखा भी है 25 mm लंबाई 4 से 14 दांतों के बीच की संख्या होनी चाहिए। जब ज़्यादा बड़े अनुभाग से मटेरियल कट करना हो तो कोर्स पिच ब्लेड का यूज करते हैं। सीधी सी बात है, आपको कितने दांतों के ब्लेड चाहिए ये सब आपके लिए पता करने के लिए क्या करना होगा, कम से कम जॉब यानी कि जो जॉब होता है हमारा, यहाँ पर जो जॉब है इस पर कम से कम हमारे 2 दांत टिके होने चाहिए। सीधी सी बात ये है, कम से कम हमारे दो 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 दांत हैं जो टिके होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जॉब है, इस पर आपके एक ही दांत हो गया और एक आपका ए दांत हो गया, तो ब्लेड कम से कम 2 दांत टिके होने चाहिए जॉब के ऊपर। अगर 2 से कम आ रहे हैं तो दूसरी ब्लेड आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब ब्लेड का चुनाव करते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि सदैव 2 दांत वर्कपीस से संपर्क में रहना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस फिगर में, आप देखेंगे इसमें आपको गौर करना है। इस फिगर में ये जो है ये है सपोर्टर कह सकते हो उसे आप, ये है क्लैंपिंग वाइस, ये तो क्लैंपिंग वाइस बताया ही है, जॉब सपोर्टर इसे कहते हैं, इसे कहते हैं स्टॉपर। स्टॉपर का यूज क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर सा में स्टॉपर का क्या यूज है। तो पावर सा में स्टॉपर का यूज है एक ही साइज के वर्क पीस को काटने के लिए। अगर हमको एक ही साइज की वर्क पीस काटना है तो हम स्टॉपर का यूज करेंगे। स्टॉपर करता क्या है, जैसे कि हमने ये कोई जॉब है हमारा, ठीक है, ये कोई हमारा जॉब है, हमने यहाँ पर लगाया इतना हमको काटना है, तो आगे हम जब इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पर ये स्टॉपर लगा, इससे टच हो जाएगा और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, कट जाएगा, फिर हमको मापने की ज़रूरत नहीं, आगे हम खिसकाएंगे यहाँ पर टच हो जाएगा और दोबारा से कट जाएगा। तो एक ही साइज के कई वर्क पीस काटने के लिए हम स्टॉपर का यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, यहाँ से देखोगे, जब समान साइज के बहुत अधिक संख्या पीस को काटना है तो समायोजित हैंडल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। लंबे तार को सहारा देने के लिए, लेवल सुनिश्चित करने के लिए समायोजित फ्लोर स्टैंड का उपयोग करते हैं, फ्लोर स्टैंड भी बोलते हैं, जैसे कि ये है यह सपोर्टर या फ्लोर स्टैंड आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं ब्लेड क्लियरेंस। ब्लेड क्लियरेंस दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, दांतों जो ब्लेड के दांत होते हैं वो जाम ना हो सकें और दांतों के जैमिंग को रोकने के लिए तथा चिप क्लियरेंस देने के लिए सब ब्लेड के दांतों को ऑफसेट और वेव करते हैं। जैसे कि जो हमारा हैंड हेक्सा होता है उसकी ब्लेड में जो सेटिंग होती है, इसी प्रकार से पावर हेक्सा ब्लेड में भी सेटिंग होती है क्लियरेंस देने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पावर हेक्सा में और क्या क्या है, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। पावर हेक्सा अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ से देखिए, मैंने इसलिए ऐसी क्लास ले रहा हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किए हैं, क्योंकि आपको इमेज के हिसाब से अगर इमेज देख के आप समझोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कूलेंट पाइप, ये जो है ये कूलेंट पाइप है, ये टेंशन नट है, जैसे कि बिंग नट हमारे हेक्सा में यूज होता है, उस तरीके से इसमें टेंशन नट लगा होता है ब्लेड को कम यानी कि टाइट करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ ब्लेड इसमें दी रहती है, किसको किस साइड करना है, आगे या पीछे करना है, ये फ्रेम है इसका, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर पावर हेक्सा मैं समझा आपने। अब यहाँ पर और हेक्सा होते हैं, जैसे कंटूर सा, हॉरिजॉन्टल वेंट सा, तीन जैसे कि सर्कुलर सा, ये 4 प्रकार के जो आपके हेक्सा होते हैं जनरल यूज किए जाते हैं।
वीडियो के लास्ट में आपके लिए 5 से 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए नोट करा दूंगा, जो कि पावर हेक्सा, हॉरिजॉन्टल बेंड सा, सर्कुलर सा, कंटूर सा, ये चारों सा जो हैं, इन चारों को मैं कंबाइंड क्वेश्चन आपके लिए 10 या 15 क्वेश्चन नोट करा दूंगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो उन्हीं क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहले आप थोड़ी थोड़ी थ्योरेटिकल इसकी जो जानकारी वो ले लीजिए, जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करते रहिए। और एक बात और, आप जैसे कि इस वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मैंने देखा है आप वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो भाइयों, जैसे कि आपने आईटीआई की है, प्राइवेट की हो या सरकारी की हो, सभी ने, तो आपके दोस्त होंगे, आपका ग्रुप्स बने होंगे आईटीआई के, तो उस ग्रुप्स में इस वीडियो को डालो, ताकि हमसे अगर कोई गलती होती है मान लो, तो वो जैसे कोई आपका दोस्त इंटेलिजेंट है तो बताएगा, तो हम ग्रुप में अच्छे से डिस्कस होगा और आपकी भी तैयारी अच्छे से होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने एक सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि सभी आपके भाई, सभी दोस्त आपके, उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, पावर सा जो कि हमने पढ़ ही लिया है, हॉरिजॉन्टल बेंड सा पढ़ेंगे, सर्कुलर सा पढ़ेंगे, कंटूर सा पढ़ेंगे। कंटूर सा मोस्ट इम्पोर्टेंट सा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दो क्षैतिज क्षैतिज बेंड सा, वृत्ताकार बेंड आ रही है, ये हमें पढ़ा देता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ से आप देखोगे तो ये है क्षैतिज बैंड आ रही, यानी कि हॉरिजॉन्टल बैंड से कहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल बैंड से क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्लेड है, इसकी ये ब्लेड है, ये हॉरिजॉन्टल मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, इसमें एक मोटर है, यहाँ पर एक घिरनी लगी हुई है, स्टेप पुली लगी होती है, दो स्टेप पुली लगी होती है, जो एक आगे और एक पीछे। यहाँ पर ये एंडलेस ब्लेड हम कहेंगे, जैसे कि ऐसी एक ब्लेड है, ऐसी गोल है बिल्कुल, बोले तो इसमें इसका कोई सिरा नहीं है, कोई एंड नहीं है, कोई सिरा नहीं है, तो इसे सिरा रहित एंडलेस ब्लेड बोलेंगे ना। अगर कोई ब्लेड ऐसी होती, ऐसी, तो इसका एक सिरा ए है, एक सिरा ए है, तो हम इसे एंडलेस ब्लेड, सिरा रहित ब्लेड नहीं कह सकते। इसमें ऐसी ब्लेड यूज होती है, ये पूरी सर्कुलर घूमती है 360 डिग्री में, इस तरीके से ब्लेड मूवमेंट करती है और लगातार इसमें कटिंग होती है, ना कि एक स्ट्रोक में कटिंग नहीं होती कि इस स्ट्रोक में कटिंग हो गई, इस स्ट्रोक में कटिंग नहीं हुई, इसमें लगातार इस प्रकार से कटिंग होती रहती है। और जो स्टेप पुली जो है, स्टेप पुली जो लगी होती है, उससे गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये लगे होते हैं रोलर गाइड ब्रैकेट्स, जो ये रोलर गाइड ब्रैकेट्स जो लगे होते हैं छोटे छोटे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लेड हॉरिजॉन्टल बेंड आरी में ब्लेड को इधर उधर नहीं जाने देते हैं, तो कौन से रोलर गाइड ब्रैकेट्स, रोलर गाइड्स ब्रैकेट हैं जो ब्लेड को गाइड करते हैं और इधर उधर नहीं भागने देते। ठीक है, इसका ये फ्रेम है, यहाँ से एक ऊपर गार्ड टाइप लगा रहता है, गार्ड, स्वच्छ गार्ड जिसे बोलते हैं, उस फ्रेम भी बोलते हैं, उसके अंदर एक ब्लेड मूवमेंट करती है इस प्रकार से। तो ये है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बेंड सा, और इसमें देखिए बता देते हैं पूरी संरचना इसकी, ये इसकी लेग्स हैं दोनों, इसका ये बेस कह सकते हैं, ये बेस है इसका, इसके ऊपर एक मतलब इसका एक आधार समझ लो, एक ठोस का आधार इसमें लगा होता है। इसके बाद से यहाँ पर एक बाइस होती है, यहाँ पर एक बाइस है, बाइस में जिसमें यहाँ पर हम जॉब को होल्ड करते हैं, होल्ड करने के बाद ब्लेड ऐसी चलती है और हमारी जॉब की कटिंग करती है। ये नॉर्मल सी है क्षैतिज बेंड सा, हॉरिजॉन्टल सा। ठीक है, ब्लेड हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, बाकी पार्ट्स जो है वो फर्स्ट आयरन की बने होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा क्षैतिज बेंड सा में क्वेश्चन, तो मैंने आपके लिए बता ही दिया है, इस प्रकार से को पूछा जाएगा कि सिरा रहित या एंडलेस ब्लेड किस सा में यूज किया जाती है, कौन सी सा में यूज की जाती है, तो सिरा रहित दो सा की जाती है, एक की जाती है सर्कुलर सा में। ठीक है, सर्कुलर सा में भी सिरा रहित ब्लेड का यूज किया जाता है, एक क्षितिज बेंड सा में, दोनों में इसको ये क्वेश्चन है, तो आप ऑप्शन है तो उसे करेक्ट कर दीजिए, अगर दोनों हैं तो दोनों उसमें ऑप्शन होगा, दोनों को करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और लगातार कटिंग करता है, अगर लगातार कटिंग कौन सा सा करता है, ऐसी ऐसी क्वेश्चन आ गया, निम्न में से पहले कौन सा सा है या पावर सा है जो लगातार कटिंग नहीं करता है, उसमें तीन ऑप्शन आएंगे, तीन रहेंगे आपके सर्कुलर सा, क्षैतिज बेंड सा, कंटूर सा, ये तीनों सा हैं जो लगातार कटिंग करते हैं, और पावर सा एक ऑप्शन रहेगा, तो पावर सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पावर सा लगातार कटिंग नहीं करता है। इस प्रकार से घुमा फिरेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
यहाँ पर देखते हैं वृत्ताकार आरे में क्या दिया है। वृत्ताकार आरे में आप देखोगे यही सब लिखा है जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पर आप देखोगे ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। वृत्ताकार आरे जो है देखिए यहाँ से, इस प्रकार की कर्तन मशीन का इस्तेमाल बड़े अनुप्रस्थ काट की धातु को काटने के लिए किया जाता है। इसमें कंटिन्यूस कर्तन क्रिया मिलती है तथा उत्पादन कार्यों में मितव्ययी होती है जहाँ मोटे काट की धातु का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई धातु है इसका अनुप्रस्थ काट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी मोटा है, तो उस धातु को काटने के लिए हम वृत्ताकार आरे का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बड़े अनुप्रस्थ काट की धातु को काटने के लिए कौन सी आरे का कौन सी शाखा उपयोग करते हैं, तो सर्कुलर शाखा उपयोग करते हैं। इसमें भी एंडलेस सिरा रहित ब्लेड का यूज होता है, ठीक है, सिरा रहित ब्लेड का यूज होता है, ये ध्यान रखना। ये देखिए इसका फिगर आप देखिए यहाँ से, ये है इसका ब्लेड, सिरा रहित ब्लेड है, ठीक है। ये है वर्क पीस, ये यहाँ पर बाइस है, ये जो भील है जैसे कि वर्क पीस को एडजस्ट करने के लिए खोलने बांधने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कुलर सा। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सा है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंटूर सा, कंटूर सा, ठीक है। इसमें एक धातु बैंड आरी ब्लेड का प्रयोग होता है, यह सतत कर्तन करता है। देखिए तीनों जो सा है, क्षितिज बैंड सा, वृत्ताकार सा यानी कि सर्कुलर सा, कंटूर सा, कंटिन्यूस कटिंग करते हैं। विभिन्न रूपरेखाओं प्रोफाइल में धातु काटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर पावर साइंस पूछे तो वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि विभिन्न प्रोफाइल के काटने के लिए कौन से शाखा यूज करते हैं, तो वो है कंटूर सा, कंटूर आर, कंटूर सा, कंटूर सा का यूज करते हैं हम विभिन्न प्रोफाइल काटने के लिए। देखिए दिखा देता हूँ कैसे प्रोफाइल काटते हैं और क्यों काटे जाते हैं, कैसे काट सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटूर सा है, ठीक है, कंटूर सा का फिगर आप देखोगे यहाँ से, यहाँ से देखिए कंटूर सा जो है, इस प्रकार से कंटूर सा मशीन होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक ब्लेड लगी होती है, यहाँ पर एक टेबल है जिसे हम किसी भी एंगल पे किसी भी साइड घुमा सकते हैं, झुका सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ब्लेड कभी कभी टूट जाती है तो उसे वेल्ड करने के लिए बट वेल्डर यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर छोटा सा ग्राइंडर लगा होता है, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो उसे फिनिश करने के लिए यहाँ पर छोटा सा वेल्डर लगा होता है। ये दो डायल इंडिकेटर हैं जैसे कि बेंड टेंशन, जैसे कि ब्लेड की टेंशन को पता करना टाइट हुई कि नहीं, ये डायल बताता है। यहाँ पर ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन एक तरीके से कह सकते हो, इसमें ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर सा गाइड टेबल है, यहाँ पर एक टेबल लगी होती है जिसे कि गाइड करते हैं, एंड नीचे आप देखोगे तो टेबल टिल्ट हैंड व्हील है, टेबल को झुकाने के लिए हैंड व्हील है, ये वर्टिकल स्पीड हैंड व्हील है, ठीक है, वर्टिकल स्पीड कितनी रखनी है, वो हैंड व्हील है। तो आप इसकी ब्लेड आप देखोगे नीचे, ब्लेड कुछ इस प्रकार से लगी होती है, देखिए ब्लेड इस प्रकार से लगातार चलती है, जैसे कि क्षैतिज बैंड साम ब्लेड लगी होती है उसमें हॉरिजॉन्टल लगी होती है, इसमें वर्टिकल लगी होती है, बस यही आप समझ सकते हो। अब हम कोई भी प्रोफाइल कैसे काट सकते हैं, जैसे कि ये उसकी टेबल है, ये ब्लेड है, जैसे कि सिलाई मशीन होती है ना, सिलाई मशीन की ऐसे कि सुई नीचे ऊपर नीचे चल नीचे ऊपर चलती रहती है, और हम अगर कपड़े को इधर उधर घुमाएंगे इस तरीके से तो वो कटता यानी कि सिलाई उसको होती रहेगी, इसी प्रकार ये भी काम करता है। जैसे कि ये ब्लेड चलती रहेगी, ऊपर नीचे चलती रहेगी, हम टेबल को जैसे आकर घुमाएंगे, जैसे ऐसे घुमाना है, पहले हम उस पर मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद प्रोफाइल को काटेंगे। जैसे कि हमको सर्कल में काटना तो टेबल को इस प्रकार से घुमाएंगे और हमारा सर्कल जो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रोफाइल हैं जो काट के दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ये विभिन्न प्रोफाइल आपको काट के दिखाए गए हैं, कैसे हम इससे विभिन्न प्रोफाइल काट सकते हैं। मैंने बता दिया कि टेबल को हम घुमा सकते हैं तो विभिन्न प्रोफाइल आसानी से काट सकते हैं, इसकी जो कटिंग है वो कंटिन्यूसली ब्लेड चलती रहती है, हम टेबल को घुमाएंगे, अगर जैसा हम घुमाएंगे वैसा हमारा जॉब कटता रहेगा, क्योंकि टेबल पर हमारा जॉब फिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने देखिएगा, कर्तन करते समय चर गति घिरनी की सहायता से विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जाती हैं, इसमें भी स्टेप पुली लगी होती है जिससे कि हम विभिन्न स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। कंटूर आरे के टूटे ब्लेड की मरम्मत के लिए इन मशीनों के साथ बेल्ट के सिरे को काटने का सीयर
फिट किया जाता है। साथ ही सुरंग जोड़ने के लिए बट वेल्डिंग मशीन फिट की जाती है, जो कि मैंने बताया है। कोणीय कर्तन के लिए इमेज किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। ब्लेड गाइड से गुजरता है जो ब्लेड को इधर उधर भागना शुरू होता है। वो गाइड ब्लेड गाइड जो मैंने अभी बताया था यहाँ लगा है, देखिए वही इसमें बोला गया है यहाँ पर लगा होता है। सौ गाइड यहाँ पर सौ गाइड भी लगा होता है, ए वर लगा है, ब्लेड को इधर उधर भागने से रोकता है। ठीक है, कार्य को बाहर निकालते हुए शरीर को अच्छी तरह से सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि दूसरों को सुरक्षा प्रदान कर सके। ये सब सावधानियाँ हैं जो बरतने को बोला गया है जब हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, जब एक ही लंबाई के टुकड़े काटे जाएं तो स्टॉप गेज का उपयोग करें, जैसे कि उसमें किया जाता है। मशीन निर्माण द्वारा बताए गए अनुसार ऑयल कैन, ऑयल गन या ग्रीस गन का उपयोग करके इंगित बिंदु पर मशीनों को लुब्रिकेंट समय समय पर करते रहें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वह है आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर एंड बर्नियर कैलिपर। हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आने वाला है, उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगा। ऐसा डिस्कस करूँगा गाइस कि आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसी चैप्टर में कन्फ्यूज होता है, इस चैप्टर से डर लगता है। रीडिंग लेना क्या होता है, कैसे रीडिंग लेते हैं, लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, इतने आसान तरीके से मैं आपके लिए समझाऊँगा कि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, चाहे आप नोट करो या ना करो भूलोगे नहीं। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी भाषा में समझाऊँगा। सो गाइस ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, स्पेशली माइक्रोमीटर की वीडियो होगी, उसके बाद से बढ़ने कैलिपर की वीडियो होगी। ऐसे लगातार हमारे चैप्टर वाइज क्लास चलती रहेगी और एक दिन हम पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने ये पूरी थ्योरी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से पढ़ ली तो आप लाइफ में कहीं भी आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि तो इतनी आसान भाषा में जो पढ़ाया जाता है जब आप इसे ऐसे ही समझ ले तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैंने बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपके लिए 5 से 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि पावर साथ से रिलेट करते हैं, तो आप ठीक है क्वेश्चन नोट कीजिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें कि विभिन्न प्रोफाइल जॉब बनाने के लिए, काटने के लिए कौन से पावर सा का यूज किया जाता है, तो वह है कंटूर पावर सा। ठीक है, एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कंटूर पावर सा, कंटूर सा जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा सा है जिसमें हॉरिजॉन्टल ब्लेड यूज की जाती है, तो वह बहुत क्षितिज बैंड आ रही है। और ऐसा मैंने अभी एक क्वेश्चन बताया था कि एंडलेस ब्लेड कौन से पावर सा में यूज की जाती है, तो तीनों में से कोई एक है, जैसे कंटूर सा और सर्कुलर सा, क्षितिज बैंड सा, ओरिएंटल सा, तीनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप टिक कर दीजिए। तीनों है तो तीनों आपको टिक कर दीजिए, ऑल ऑफ दी उसमें ऑप्शन आएगा। सेकंड दो क्वेश्चन हो गए और मैं आपके लिए इसमें क्वेश्चन बताऊँ, जैसे कि पूछा जाएगा कि पावर सा की ब्लेड किस धातु की बनी होती है, तो हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अधिकतर यानी साधारणतया कितने TPI की ब्लेड हम पावर सा में यूज करते हैं, तो मैंने बता दिया कि 14 TPI की साधारणतः हम ब्लेड यूज करते हैं, और 14 और 10 TPI जो भी ऑप्शन में आपको मिले टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि पावर सा में देखिए दो सा है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, जो जो पावर सा, सबसे पहले पावर सा और सेकंड है कंटूर सा, इन दोनों सा से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और इसी से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जो क्षितिज बैंड सा और सर्कुलर सा है उससे क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो पावर सा से पूछेगा, इस प्रकार से पूछेगा, मैंने बताया है क्वेश्चन। और मैं क्वेश्चन आपके लिए बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो उससे पूछ सकता है कि स्टॉपर का यूज क्यों किया जाता है, या विभिन्न या एक ही सामान के कई जॉब बनाने के लिए, कई पीस काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो स्टॉपर का ये पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर। और जैसे कि लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए, लंबे जॉब को पावर सा से कटिंग करते वक्त लंबे जॉब को सपोर्ट देने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, तो मैंने बताया कि सपोर्टर जिसे बोलते हैं, सपोर्टर बोलते हैं उसका यूज हम करते हैं लंबी जॉब को, या फिर जैक आएगा उसमें जैक भी आप लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर जैक आएगा, जैक का भी हम यूज करते हैं
उसे सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा सा है जिसकी टेबल को हम किसी भी कोण पर झुका सकते हैं, किसी भी कोण पर। तो वह है कंटूर सा। तो वैसे ज़्यादातर पावर सा से क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, अगर आता है तो इतने क्वेश्चन मैंने बताया इसी में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। सो गाइस, आई होप कि आपने ये क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास है जो बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि वर्नियर माइक्रोमीटर कैलिपर्स की जो क्लास है। देखिए, आपके लिए एक एक पार्ट्स बताऊँगा, एक एक चीज़ बताऊँगा, लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, मेजरमेंट कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपके लिए बताऊँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो का ही पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कर दीजिएगा। और आपको हर टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करना है और थ्योरी के पेड कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर पेड कोर्स फ्री में मिल रहा है, वही यही सब पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है जो कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।